कि उनका काम तो मैंने पहले कहा था वो कुर्सी कुमार हैं, और किसी ने कहा था बीजेपी के लोगों ने कि इब्राहिम दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाना हो मुख्यमंत्री पद के लिए तो वो मिला सकते हैं। वो तो कहीं ना कहीं लूटपाट करने की मंशा है, इसलिए सरकार केवल बजट लंबा करती है कि इतना आकार मेरा हो गया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत हो चुका है, आज चौथा दिन है, और कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भाषण और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण है। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा, ऐसे में आज आय व्यय का जो विवरण है उसको पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले बार जो बजट पेश किया गया था उसका 58,000 करोड़ के आसपास का जो रुपया है वो अभी बाकी है, और एक महीने में सरकार कैसे खर्च करेगी। यानी साफ तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली की बू आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा हो जा रहा है, इस बात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने बजट को लेकर बातें कही, और साफ तौर पर पिछले बार के बजट की अपेक्षा इस बार बजट का आकार बढ़ा है, लेकिन पिछले बार का जो रुपया खर्च नहीं हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हेरा फेरी की बुआ रही है। देखिए भाई वीरेंद्र का ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कैसे हमलावर है। सरकार का कहना है कि बजट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आप लोग के समय कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल है, बजट का आकार केवल जनता के बीच में पेश किया जाता है, लेकिन जनता का वो बजट जो है कहती है कि जनता का बजट है ये, लेकिन जितना प्रावधान किया गया है पैसे का उसमें 58,000 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुए हैं, और एक महीना में करना है खर्च, तो कहीं ना कहीं लूटपाट करने की मंशा है, इसलिए सरकार केवल बजट लंबा करती है कि इतना आकार मेरा हो गया है, लेकिन सरजमीन पर वो खर्च नहीं होती है। इसलिए 58,000 करोड़ रुपया आप एक महीना में कैसे खर्च कीजिएगा, डेढ़ महीना में कैसे खर्च कीजिएगा, ये आपको बताना होगा। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, जरा नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज चल रहे हैं? किन से नाराज चल रहे हैं? बातों में काफी अब नाराजगी दिख रही है। असल में सवाल है कि उनका काम तो मैंने पहले कहा था वो कुर्सी कुमार हैं, और किसी ने कहा था बीजेपी के लोगों ने कि इब्राहिम दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाना हो मुख्यमंत्री पद के लिए तो वो मिला सकते हैं। वो नाराज कब होंगे, कब खुश होंगे, हमको समझ में नहीं आती है। वो बड़ी ही विचित्र तरह के लोग हैं, और बिहार से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, न बिहार के लोगों को लाभ उनसे मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।